तीन दिन पूर्व मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस शव मिला था, जिसकी पहचान नहीं होने के कारण आलोट पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम पश्चात शव को दफन कर दिया गया था। मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज पर लावारिस सामान में एक मोबाइल मिलने से उक्त लावारिस शव की पहचान अजीत सिंह परवार CRPF कोबरा कमांडो जवान के रूप में हुई, जिसके पश्चात आज गुजरात के सोमनाथ से उक्त जवान के परिजन आलोट पहुंचे, जहां पर शव को ले जाने के लिए दफनाया गया। शव को बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि उक्त शव का पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं है, उसे दफना दिया गया है। इस प्रकार के दृश्य से नाराज परिजनों ने आलोट थाना प्रभारी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। जब प्रशासन को पता चला कि वह एक CRPF का जवान है, तो उसको सम्मान देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने के लिए जवानों को बुलाया गया, किंतु नाराज परिजनों ने जवान के शव को बिना सलामी लिए ही पैनल पोस्टर मार्टम के लिए रतलाम ले गए। इनके मामा का लड़का लगता हूँ, और हमारा बंदा जो है वो उसका मिसिंग का कंप्लेंट हम लोग बॉम्बे RPF द्वारा मालूम पड़ा, वहाँ ट्रेस मोबाइल नंबर आया तो उसका सामान वगैरह बॉम्बे सेंटर BCT में मिला, RPF में कलेक्ट किया। मैं RPF में जॉब करता हूँ, और हमको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे, तो मैं RPF कंट्रोल BCT से हमने संपर्क किया, वहाँ से मालूम पड़ा बड़ौड़ा, तो बड़ौड़ा पूछा तो बड़ौड़ा बंदा हमारा उतरा नहीं, और ये जो बंदा है वो CRPF कोबरा बटालियन 205 में कार्यरत है, बुद्ध गया में, और वो छुट्टी आ रहा था 13 तारीख को वो छुट्टी राजधानी से 290952 से आ रहा था, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस राजधानी से। अच्छा, इसके बाद में आज जो आप आए, आपने यहाँ घटनाक्रम क्या देखा? आज हम आए यहाँ घटनाक्रम में, हम लोग को यहाँ पर TI दीपक साहब जो है थाना जो इंचार्ज TI थाना प्रभारी, उन्होंने बताया है हम फोन माध्यम से कि ऐसे ऐसे फोटो आई, हमने पुष्टि किया तो थोड़ा सहारा मिलाया, हमारा ये बंदा लगा हमें, तो हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे आज पहुँचे। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजीत सिंह परमार है। ये तो कंफर्म है कि ये परिवार के वही सदस्य हैं? हाँ, ये वही सदस्य है। फिर आपने यहाँ पे विरोध किस बात का किया? हाँ, हमने इस बात का विरोध किया, यहाँ आए हमने TI साहब से प्रभारी से पूछा कि क्या कार्यवाही की, तो हमने सीधी ये हमने बोला है कि बोला हमने ये बॉडी को दफना दिया। आलोट पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते आप? हाँ, बॉडी को हमने बोला दफना दिया, तो मैंने ये बताया है कि एक CRPF का कोबरा कमांडो जवान है, तो आपने कहीं इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं मीडिया माध्यम से या कोई चैनल माध्यम से, दूरदर्शन से या कोई भी चैनल माध्यम से कोई संपर्क नहीं किया, और इतना जल्दी डेड बॉडी को क्यों दफनाया? इन्होंने बताया है कि हमको 10 बजे बताया और शाम को 5 बजे बॉडी को दफना दिया। अदर स्टेट होने की वजह से आपको खबर नहीं मिली होगी, नहीं तो यहाँ पर करीब 2 से 2500 मैसेज लोगों के पास जा चुके थे कि अज्ञात लाश मिली है। हाँ, ठीक है, हम गुजरात से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हमको खबर नहीं मिली, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, तो हमने पूछा TI साहब से कि ठीक है तो है सब, हम बोला PM हो गया, तो बोला हाँ PM हो गया है, बोला कब हुआ, बोला हो गया है कल, तो ठीक है PM रिपोर्ट दिखाओ, मैंने मांग की, और तो बोला PM रिपोर्ट अभी नहीं आई, 4-5 घंटे के बाद आए, तो 4-5 घंटे हम इधर ही है, तो 4-5 घंटे के बाद में पूछा, बोला नहीं अब 2 दिन के बाद में हमको टपाल माध्यम से मिल जाएगी आपको, और आप चले जाइए और आप बॉडी लेके जाइए। फिर हमने यहाँ जहाँ पर बॉडी को इन लोगों ने दफनाया था जो गार्ड के अंदर हमारे जवान की अजीत सिंह परमार जो CRPF कोबरा कमांडो के है जवान उनकी, तो फिर हमने देखा बॉडी, तो बॉडी का सब कपड़े वगैरह उतार के मेरे को डाउट लगा कि PM हुआ कि नहीं, तो इसके शरीर में कोई भी खरोस नहीं है, कहीं से फटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा शरीर है, और कोई भी PM नहीं किया, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं, यहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है हमारी गलती नहीं, तो गलती है तो किसकी है? आजकल ये इंडिया में जवान के साथ ही ऐसा होएगा क्यों? जवान, मैं एक जवान हूँ, मुझे ठीक है साइड में, पर पहले वो देश का जवान है, और देश का जवान एक कोबरा कमांडो है जो बहुत कम बनते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं, और एक ये देश ने अपनी संपत्ति खोई है, एक जवान खोया है, तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को और सब मीडिया भाइयों को कि इसकी खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई जाए और इसको न्याय मिलना जाए, पूरी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच है ना ऊपर से होनी चाहिए,
अभी इसके, पीएम इसमें कुछ लग रहा है हम इसका पैनल पीएम की मांग हमने की है, तो ये लोग अभी बोल रहे हैं कि पैनल पीएम आपकी करके फिर हम आपको बॉडी सुपुर्द करेंगे, लेकिन इन्होंने पीएम क्यों नहीं किया, हमारे को झूठ क्यों बोला, ये सबका संदेह है। और इसकी दिल्ली से लेके जहाँ तक बड़ौदा तक वो आ रहा था वहाँ तक, और उसका जहाँ सामान पहुँचा है वहाँ तक अच्छे से जाँच होनी चाहिए, यही मेरा बयान है। जय हिंद। सर बताएंगे क्या है मामला, जो सीआरपीएफ जो जवान था जिसकी डेड बॉडी निकाली गई है आपको? दिनांक 14/11/2020 को सुबह 10 से 11 के बीच पुलिस थाना आलोर को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी रेलवे ट्रैक थूरिया के पास पड़ी हुई है। यहाँ थाना पुलिस आलोर के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, पंचायतनामा कार्रवाई की गई, और मौके मुआयने के दौरान कोई दस्तावेज और कोई पहचान के दस्तावेज और चिन्ह नहीं मिले, तो वो अज्ञात बॉडी होने पर हमारे द्वारा मर्ग की जांच की कार्रवाई की गई, मर्ग कायम किया गया और पोस्टमार्टम के लिए आलोट अस्पताल में भिजवाया गया पोस्टमार्टम भर के। उसके बाद अज्ञात बॉडी होने के कारण पुलिस थाना आलोट के द्वारा इसमें न्यूज और मीडिया ग्रुप सोशल मीडिया में सभी जगह फोटो सहित जानकारी भी दी गई थी तत्समय तत्कालीन और 14 तारीख को ही, और उसके बाद न्यूज के माध्यम से भी, और दूसरे दिन चूँकि जो जिस गाड़ी से जा रहा था व्यक्ति वो राजधानी एक्सप्रेस थी जो कि बॉम्बे में जाके रुकी गाड़ी, तो वहाँ पर वो बैग मिला उस अज्ञात व्यक्ति का, तो उसके माध्यम से उनके परिवार को सूचना मिली, जहाँ से हमलावर तक सूचना मिली। तो आज परिवार के कुछ सदस्य थाने पर आए और सब उत्खनन जो हमने सब गड़वाने की कार्रवाई हुई थी उसमें सब उत्खनन की कार्रवाई करवाई गई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और परिवार के द्वारा उसमें कुछ शंका जाहिर करने के दौरान पुनः पोस्टमार्टम की पैनल के द्वारा अपील की गई, जिस पर रतलाम पोस्टमार्टम पैनल कराने पैनल से पोस्टमार्टम कराने हेतु रतलाम अस्पताल में बॉडी भिजवाई गई है। सर जैसा कि डेड बॉडी दफनाई गई थी और परिजनों का आरोप है कि उसका पीएम नहीं किया गया है, सर अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी पुलिस के द्वारा जाँचकर्ता अधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम फॉर्म भरकर अस्पताल में भिजवाया गया था डेड बॉडी के साथ में, और वो अस्पताल के डेड बॉडी और फॉर्म भिजाने के बाद अस्पताल की कार्रवाई थी, डॉक्टर की कार्रवाई थी, अब उसमें क्या हुआ इसके संबंध में वही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता। तो सर जिस प्रकार से पीएम नहीं होते हैं डॉक्टर की लापरवाही रही सर, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर एक और है कि जो डेड बॉडी रहती है जो लावारिस पाई जाती है वो लगभग 72 घंटे तक रखी जाती है सर, ऐसा कुछ नियम है? क्योंकि जहाँ अगर रखने की सुविधा होती है और वहाँ शिनाख्त की कुछ संभावना मिल जाती है तो संभवतः उसको रखा जा सकता है अगर सुविधा हो तो। सर एक और चीज़, जो गार्ड अपनर के लिए जो व्यवस्था की गई थी प्रशासन की ओर से बिना ऐसा कुछ नहीं, परिवार वालों ने मना कर दिया था। यह एक जवान खोया है, तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को और सब मीडिया भाइयों को कि इसकी खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जाए और इसको न्याय मिला जाए। अभी हमारी पूरी जांच होनी चाहिए वो है, और इसकी जांच है ना ऊपर से होनी चाहिए। इसके इसमें कुछ लग रहा है हम इसका पैनल पीएम की मांग हमने की है, तो ये लोग अभी बोल रहे हैं कि पैनल पीएम आपकी करके फिर हम आपको बॉडी सुपुर्द करेंगे, लेकिन इन्होंने पीएम क्यों नहीं किया, हमारे को झूठ क्यों बोला, ये सबका संदेह है। और इसकी दिल्ली से लेके जहाँ तक बड़ौदा तक वो आ रहा था वहाँ तक, और उसका जहाँ सामान पहुँचा है वहाँ तक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की